लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। पंजाब के फिरोजपुर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई देने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि झुंझारा हजारा सिंह वाला के सीमा भर्ती गांव में स्थानीय लोगों ने इन ड्रोन को गुरुवार सुबह देखा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रोन गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद BSF और पुलिस ड्रोन की तलाश कर रही है। मणिपुर के उखरुल जिले में ऐशी गांव के पास असम राइफल्स के जवानों ने 1.41 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। असम राइफल्स के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी की खुफिया सूचना के आधार पर असम राइफल्स के जवानों ने मंगलवार को ऐशी गांव के पास एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी तलाशी ली। जर्मनी में एक बंदूकधारी ने एक यहूदी पूजा स्थल में घुसने का प्रयास करने के बाद दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय पूजा स्थल के अंदर दर्जन लोग एकत्रित थे। रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार होने से पहले संदिग्ध ने एक ऑनलाइन वीडियो गेम प्लेटफॉर्म पर हमले को लाइव स्ट्रीम भी किया था। इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए बताया कि 2022 या 2023 में वह भारत का सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष मिशन दोबारा भेजने की तैयारी में जुट गया है। इस मिशन का नाम होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन 2। नाम से तो ये लग रहा है कि इस बार भी मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला ऑर्बिटर भेजा जाएगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलयान पर लैंडर रोवर भी भेजा जा सकता है। अमेरिका की रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सांसदों ने बुधवार को कहा कि नाटो सहयोगी तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लगाने के संबंध में उनके बीच सहमति बनी है। ये प्रतिबंध तब तक लागू रहने का प्रस्ताव दिया जाएगा जब तक कि तुर्की पड़ोसी सीरिया से अपने बलों को वापस न बुला ले। आंधी तूफान बिजली की चमक के साथ शहर और उसके आसपास के इलाके में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बारिश हुई। इस दौरान पुणे महानगर परिवहन महामंडल के एक वाहन पर एक पेड़ गिर जाने से ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पर्यटक आज से जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जा सकेंगे। अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद पिछले 2 महीनों से ज्यादा वक्त तक पर्यटकों पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार 7 अक्टूबर को 2 महीने से चले आ रहे उस परामर्श को वापस लेने का निर्देश दिया था, जिसमें पर्यटकों को घाटी छोड़ने के लिए कहा गया था। राजधानी दिल्ली के लोदी फ्लाईओवर पर बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की बस एक स्कूटी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पर सवार पति पत्नी और 8 साल की बेटी नीचे गिर गए। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा कि भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मोबाइल फोन लोकेशन का ब्यौरा उनके पास नहीं है। दरअसल 29 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर मामले में एप्पल से कहा था कि जिस दिन नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से रेप हुआ था उस दिन सेंगर कहां थे, इसकी जानकारी दें। हाईकोर्ट के जिला जज धर्मेश शर्मा ने एप्पल कंपनी को यह जानकारी देने के लिए 9 अक्टूबर तक समय दिया था। 7 महीने के इंतजार के बाद गाजियाबाद का हिडन एयरपोर्ट अब उड़ान भरने की तैयारी में है। हिडन एयरपोर्ट से पहले विमान सेवा कल से शुरू होने जा रही है। पहला विमान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरने वाला है। ये 9 सीटों वाला विमान होगा। हिडन से पिथौरागढ़ की उड़ान का समय दोपहर का रखा गया है। देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।